फ्रेंड्स, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं वीवो का Y73 जो कि अभी अभी लॉन्च हुआ है वर्सेस वीवो का V20 SE। बहुत सिंपल सा कंपैरिजन रहता है मेरी वीडियो में कि सिर्फ मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन बतानी है कि क्या क्या डिफरेंस आता है, क्या प्राइस का डिफरेंस आता है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देना चाहूँगा दोनों के दोनों मॉडल वीवो के हैं कंपनी के। तो एक चीज़ बता दूं कि इसको लॉन्च हुए को मात्र 2 से 3 दिन हुए हैं, इसको लॉन्च हुए को 2-3 महीने हो चुके हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं लुक के बारे में, लुक दोनों की काफ़ी ऑसम है और ये थोड़ा ट्रेंडिंग में आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है, एकदम बिस्कुट टाइप सा, ये थोड़ा राउंड में आ जाता है। तो इसके कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा दोनों में सेटअप देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रंट की, तो फ्रंट में आप चेक कर सकते हो कि दोनों के दोनों बटन ड्रॉप नॉच में आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। सबसे पहले हम प्राइस की बात करेंगे, ये आपको 21,000 का मिलेगा, 20,990 रुपये का ये आपको मिलेगा, 20,000 का 19,990 रुपये का। अब इनमें डिफरेंस कहाँ पर आता है ये चीज़ देख लेते हैं। आपको ये लेना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा या ये लेना ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करते हैं इनके डिस्प्ले साइज़ की बात की जाए, तो दोनों की लगभग दोनों की सेम डिस्प्ले साइज़ है, 6.4 इंच। इसकी 6.4 इंच फुली HD प्लस IPS डिस्प्ले दोनों की। इसकी आपको सुपर एमोलेड मिलेगी, इसके भी आपको एमोलेड मिलेगी, दोनों की दोनों डिस्प्ले है एमोलेड, इसकी भी एमोलेड मिलेगी फुली HD प्लस। 6.4 इंच डिस्प्ले फुली HD प्लस एमोलेड, 6.4 इंच डिस्प्ले फुली HD प्लस एमोलेड, लेकिन सुपर एमोलेड नहीं, एमोलेड है। क्वालिटी के मामले में दोनों सही है। अब देखा जाए 1,000 रुपये का जो डिफरेंस आता है वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम इनके फ्रंट कैमरों की बात कर लेते हैं। तो अगर इसकी फ्रंट कैमरे की बात की जाए वीवो के Y73 की, और इसका आपको फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद अगर हम बात करते हैं वीवो के V20 SE की, तो इसका जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का आपको देखने को मिलेगा। तो प्लस पॉइंट आपको इसमें ज़्यादा मिलता है कि आपको 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके राइट साइड की, तो राइट साइड में आप चेक कर सकते हो दोनों के, आपको राइट साइड में वॉल्यूम की रोक करके सेम पोजीशन मिलेगी, साथ में पावर लॉक बटन देखने को मिल जाएंगे। लेफ्ट साइड की बात करते हो तो सिम स्लॉट है जो आपको वीवो Y73 में इधर देखने को मिलेगी, इधर आपको एकदम लेफ्ट साइड में वेजरलेस मिलेगा जो कि है वीवो का V20 SE। अगर आपकी बात करते हैं अप में आपको सिम स्लॉट देखने को मिलेगी वीवो के V20 SE में, और ऊपर नॉइस कैंसलिंग के लिए जिसको सेकेंडरी माइक कहते हैं वो दोनों में सेम पोजीशन पे देखने के लिए मिल जाता है। अगर डाउन की बात करते हैं स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, टाइप सी चार्जर देखने को, मेन माइक, 3.5mm का हेडफोन जैक दोनों में सेम कंडीशन में आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम बैक की बात करते हैं तो बैक में ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको दोनों में देखने को मिलेगा। अगर हम वीवो के Y73 की बात करते हैं तो इसमें आपको ट्रिपल कैमरा देखने को मिले 64 मेगापिक्सल का, 2 मेगापिक्सल का और 2 मेगापिक्सल का। ये आप देख सकते हो कि लेंस की ब्रांडिंग करके साथ में नीचे आपको फ्लैश मिल जाती है, ये थोड़ा सा फोकस कर ले तो ज़्यादा बढ़िया है, ये चेक कर सकते हो कितना सही है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे आपको ब्रांडिंग मिल जाती है, ये मुझे लुक वाइज काफ़ी बढ़िया लग रहा है। अगर हम बात करते हैं वीवो V20 SE की, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, इसकी लुक थोड़ी अलग लगती है, मुझे वो लुक ज़्यादा बेटर लगी, हालांकि वो नया आया है ये भी फ़र्क पड़ता है। अगर इसके कैमरों की बात की जाए तो ये 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, 2 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा, साथ में फ्लैश, ठीक है फ्रेंड्स। और नीचे आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, ये आपको मैट लुक में मिलता है, पर इसका कलर बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ये ब्लू लग रहा है, पर अगर लाइव देखो तो ये थोड़ा ग्रीन शेड भी मारता है। उसके बाद अगर बात करते हैं वीवो के Y73 में, इसमें भी आपको ब्लू कलर देखने को मिलता है, फिलहाल जो मेरे हाथ में ये है ब्लैक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके ओवरऑल लुक के बारे में, तो लुक दोनों की काफ़ी बेस्ट है। कैमरे के मामले में बात किया है तो डिफरेंस तो थोड़ा सा आता ही है, अगर आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्चते हो तो आपको 64 मेगापिक्सल का इसमें कैमरा ज़्यादा देखने को मिल जाता है। अगर अदरवाइज डिस्प्ले क्वालिटी की बात की जाए तो दोनों की सेम है, सेम साइज़ है, सेम क्वालिटी है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैमरों में, फ्रंट कैमरे में ये विनर रहता है, बैक में ये रहता है। अब आप डिपेंड करते हैं कि अगर आपने सेल्फी खरीदनी है फिर तो आप ये देख लो, अगर आपने बैक कैमरा देखना है तो आप ये देख सकते हो सेल्फी के लिए ये, और बैक कैमरे के लिए ये वाला। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं इनके रैम की बात करते हैं तो दोनों की रैम आपको सेम देखने को मिलेगी, 8 GB रैम देखने को मिलेगी, 128 GB इंटरनल मेमोरी देखने को मिलेगी। अगर बात करते हैं प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर आपको इसमें देखने को मिला है स्नैपड्रैगन 665, 665 प्रोसेसर देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन का इसमें। अगर इसकी बात करते हैं इसमें आपको हेलियो मीडियाटेक का हेलियो G95 देखने को मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स।
अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर के मामले में, दोनों के परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अगर हम बात करते हैं इनकी बैटरी के बारे में, तो बैटरी जो इसकी रहने वाली है वो रहने वाली है 4000 mAh की बैटरी 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ। आउटपुट जो रहेगी चार्जर की, अगर वीवो V20 SE की बात करते हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगी 41000 mAh की बैटरी, मतलब 4100 mAh की बैटरी, साथ में 33 वॉट का फास्ट चार्जर के साथ आउटपुट रहने वाला है। तो ये देते हैं इनके थोड़ा हल्का फुल्का कंपेरिजन। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल लुक के बारे में, तो लुक के बारे में मुझे ये वाला अच्छा लगा है। तो फ्रेंड्स आपका क्या ओपिनियन है कमेंट करके जरूर बताना। ये सिंपल सा कंपेरिजन है जो कि ईजिली आपको फ़ोन परचेज करने में काफ़ी हेल्प करता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि किस किस में क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ओपिनियन से देखा जाए तो दोनों में से आप कोई भी फ़ोन परचेज करो, इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता, मोस्टली दोनों सेम ही हैं, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्वालिटी मामले में सेम है, थोड़ा सा चेंज कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, प्रोसेसर का चेंज देखने को मिलेगा और बैक कैमरा का चेंज देखने को मिलेगा। वहीं पे अगर बैक कैमरा इन्होंने बढ़ा दिया है तो फ्रंट कैमरा थोड़ा सा छोटा कर दिया है, जैसे कि 16 मेगापिक्सल का कर दिया, इधर आपको 32 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बाकी इनकी वी सीरीज़ थोड़ी प्रीमियम ही रहती है, बल्कि देखा जाए तो ये वाई सीरीज़ में पहली बार ऐसा हुआ कि आपको 21000 में फ़ोन आ गया। वैसे पहले भी आए हुए हैं पर फिर भी 18000-19000 तक आए, तो अभी पहली बार 21 या 20000 क्रॉस कर गया ये मेरे हिसाब से, जब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाकी मुझे इतना याद नहीं है, अपनी यादाश्त कमजोरी है। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं। अगर आपने इन दोनों से कोई चलाना है या परचेज़ करना है, आप लक्की स्माइल शॉप पे आ सकते हो, शॉप लोकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलो वीडियो का एंड करें। तो फ्रेंड्स फाइनली मैंने इन दोनों का कंपेरिजन कर दिया है, एप्लीकेशन रेट टेस्ट कर दिया, नहीं रेट स्पीड टेस्ट नहीं कर पाया उसको, सॉरी। अगर स्पीड में मामले में देखा है तो मुझे लगता है परफॉर्मेंस दोनों की बेस्ट रहने वाली है, किसी की भी इधर उधर जाने वाली नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज़ और खास फीचर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो मेन खास फीचर है मैं बता देता हूँ, जो इसकी रैम है ना वो 8GB से लेके 11GB तक वर्क करती है। कैसे करती है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप इसको ओपन करते हो, इसमें सेटिंग में जाना है, आप जहाँ मर्जी से जाओ, चाहे ऊपर से जाओ, नीचे से जाओ, जैसे मर्जी जाओ, सेटिंग में जाना है, ये सेटिंग का ऑप्शन है, क्लिक करेंगे इस पर। इसके बाद आपको रैम के ऑप्शन में जाना है, जैसे कि मैं आपको रैम दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो रैम, रैम के ऑप्शन, ये रैम, रैम के ऑप्शन में जाना है, ये क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ मिल जाती है 3GB रैम प्लस, ये देख सकते हो, पढ़ सकते हो 8GB+3GB, यहाँ पे क्लिक करते हो तो ये जो आप ऑन का बटन देख रहे हो, मतलब कि एज ए प्रेजेंट इसकी जो रैम काम कर रही है वो कर रही है ऑटोमेटिक ही, वो 11GB पे रैम काम कर रही है। अगर आपने गेमिंग गूमी खेलनी है तो आप इजीली इसको ऑन करके खेल सकते हो, नहीं तो 8GB तक इनफ रहेगी। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी रैम बढ़ाते हो तो ऑब्वियसली है इसका जो क्या कहते हैं बैटरी कंजप्शन भी बढ़ जाएगा, बैटरी ज़्यादा चूसेगा। ठीक है, तो ये थी इसकी कुछ डिटेल के बारे में। तो ये नया फीचर डाला है, आई होप कि आपको अच्छा लगा। बाकी मैंने दोनों के बारे में सारी डिटेल दे दी है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी वीडियो में कोई कमी रह गई हो या गलत बोला गया हो तो मुझे माफ़ कर देना, नाम ऊपर नीचे लिए जाते हैं उसके लिए सॉरी, पर अपना ओपिनियन दे दिया हमने। ठीक है, कि दोनों अपनी जगह पे सही है, जो आपने परचेज करना है कर लो। अगर आपने सेल्फी के मामले में सिर्फ सेल्फी ही ज़्यादा खींचते हो या ब्लॉगिंग करते हो तो आप V20 SE ले सकते हो, नहीं तो आप वीवो का Y73 भी ले सकते हो। और दोनों के दोनों 4G है, 5G नहीं है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो। इसी तरह सपोर्ट करते रहे बाइक को, और किसके साथ इसका कंपैरिजन देखना चाहते हो ये भी बता दो, वो भी हम जल्दी से जल्दी कर देंगे। तो बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो और इसी तरह सपोर्ट।